कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि पनीर नहीं होता तो क्या होता। पनीर नहीं होता तो पनीर मसाला ना होता। पनीर नहीं होता तो पनीर टिक्का ना होता। पनीर चिली ना होता। पनीर ना होता तो पालक पनीर ना होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शक्ति एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शक्ति। चलिए आज पनीर के गुण गाएंगे और रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनाएंगे। कढ़ाई या पैन लेते हैं आप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बना रहा हूँ, तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच घी और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज़ करूँगा, इसलिए कि घी ना जल जाए। घी हमारा गर्म हो गया है। चलिए अब खड़े मसाले डालते हैं। खड़े मसाले बहुत कम क्वांटिटी में डालेंगे। इट इज़ जस्ट टू इन्हेंस द फ्लेवर। मसाला सौते करने के बाद में अब हम पिसा हुआ प्याज डालते हैं। मैंने प्याज मिक्सर में ग्राइंड किया हुआ है। आप चाहें तो बारीक चॉप्ड प्याज भी डाल सकते हैं। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर ही भूनें। तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, हम एक पैन में खड़ा धनिया रोस्ट कर लेते हैं। इसको ठंडा होने के बाद दरदरा पीस लेंगे। सेम थिंग विल डू विद कसूरी मेथी ऑल्सो। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए अब। चलिए अब पिसा हुए मसाले डालते हैं, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार और गरम मसाला। हल्का पानी डाल के मसालों को अच्छे से भुने ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। मसाले अच्छे से पक गए हैं। चलिए अब डालते हैं टोमेटो प्यूरी और काजू की पेस्ट। मैंने काजू को टमाटर के साथ मिक्सर में पहले से ग्राइंड कर लिया है। आप काजू को अलग से भी पेस्ट या प्यूरी बना सकते हैं। इसे तब तक भुनें जब तक ऑयल सरफेस पे ना आ जाए। ग्रेवी इज ऑलमोस्ट डन नाउ। ऑयल भी सरफेस पर आ गया है। अब हम दरदरा धनिया पाउडर और कसूरी मेथी डालेंगे। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस विल एनहांस द फ्लेवर टू द नेक्स्ट लेवल। नाउ विल ऐड हंकर्ड, यानी कि दही से पानी निकाला हुआ। हंकर्ड से ग्रेवी का टेक्सचर और थिकनेस दोनों रिच हो जाती है। नाउ ग्रेवी इज परफेक्टली डन। ऑयल भी सरफेस पर आ गया है। अब ब्लांच किया हुआ पालक, जो हमने पहले से ग्राइंड करके रखा हुआ है, उसे मिलाते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, पालक को ज़्यादा पकाना नहीं है, बिकॉज पालक हमने पहले से गर्म पानी में ब्लांच किया हुआ है। इतना ही पकाएं कि मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट टिप, जायफल को ग्रेट करके डालें, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। पालक को चलाते रहें। गर्म होने के बाद इसमें बबल्स उठने लगते हैं और ये आपका गैस और किचन ख़राब करेगा, और आप कहेंगे शक्ति आपने बताया नहीं। नाउ ग्रेवी इज डन। अब पनीर डाल के हल्के हाथ से इसे चलाएं। गार्निश करें इसे फ्रेश क्रीम और अदरक के जूलियन के साथ। रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर तैयार है। यमी, उंगलियां चाटते रह जाओगे, ये मेरी गारंटी है। देख कह रहे हैं बनाइए, शेयर कीजिए इफ़ यू लाइक माई रेसिपी, और जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वो बगल में घंटी का बटन है ना, उसे भी दबा दें। टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई विल बी बैक विद सम अदर रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।